दोस्तों आज हम इस वीडियो में दो फोन का कंपैरिजन करेंगे, Vivo V27 और Vivo T2 Pro का। और सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के प्रोसेसर का। दोनों ही फोन आपको MediaTek Dimensity 7200 देते हैं, जो कि एक 4nm का चिपसेट है, जो कि आपको काफी अच्छी गेमिंग वगैरह करवा सकता है, जिसका कि एंटीटू स्कोर 7,20,000 के आसपास है। यानी कि दोनों ही फोन में आपको सेम चिपसेट मिलता है, जो कि आपको अच्छी क्वालिटी की गेमिंग वगैरह करवा सकते हैं। लेकिन अगर कैमरों की बात करें तो Vivo T2 Pro आपको दो कैमरे देता है, 64 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा इसके बैक कैमरे पर। वहीं Vivo V27 आपको तीन कैमरे देता है, एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। वहीं Vivo T2 Pro आपको सिर्फ 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ कैमरा देता है। 64 मेगापिक्सल के कैमरे के रिव्यूज तो अच्छे हैं, पर 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। और अगर वीडियो कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन अपने बैक कैमरे में आपको 4K वीडियो देते हैं और दोनों ही फोनों में आपको बैक कैमरे पर EIS और OIS दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो Vivo T2 Pro आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, वहीं Vivo V27 आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देता है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस है। और साथ में Vivo V27 आपको 4K वीडियो भी देता है अपने सेल्फी कैमरा में, यानी कि फ्रंट कैमरा में। Vivo T2 Pro आपको सिर्फ फुल HD वीडियो देता है अपने फ्रंट कैमरा में, यानी कि यहां Vivo V27 आपको ज्यादा मेगापिक्सल और साथ में 4K वीडियो भी देता है। वैसे अगर स्क्रीन की बात करें तो दोनों ही फोन आपको 6.78 इंच का स्क्रीन दे रहे हैं, दोनों ही फोन आपको कर्व्ड स्क्रीन दे रहे हैं, दोनों ही फोन आपको फुल HD स्क्रीन दे रहे हैं और दोनों ही फोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन ऑलमोस्ट सेम है। मेन फर्क कैमरे का आ रहा है दोनों फोनों के बीच। यहां तक कि अगर बैटरी की बात भी करें तो दोनों ही फोन आपको 40mAh की बैटरी दे रहे हैं और 66W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, यानी कि बैटरी वगैरह भी दोनों फोनों में सेम, काफी अच्छा बैकअप और दोनों ही फोनों में आपको काफी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों ही फोन एंड्रॉइड 13 के साथ आते हैं और दोनों ही फोनों में आपको फन टच 13 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी मिल जाता है, लेकिन दोनों ही फोनों में ब्लॉटवेयर आने के चांसेस रह सकते हैं। दोनों ही फोन आपको 5G नेटवर्क का सपोर्ट दे रहे हैं और दोनों ही फोनों में आपको 3.5mm का माइक जैक नहीं मिलता और दोनों ही फोन आपको सिंगल स्पीकर देते हैं और दोनों ही फोनों में आपको स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलता। और दोस्तों एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपको बेटर कैमरा लेना है, स्पेशली सेल्फी कैमरा या मेन कैमरे में वाइड एंगल का ऑप्शन, तो Vivo V27 बेटर रह सकता है। और अगर आपको लगता है कि कैमरा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता आपके लिए, तो आप पैसे बचाकर Vivo T2 Pro भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।